गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक टू ऑल। मेरी तरफ से आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो इबादत में गुजारा करें और अपनी जगह को, अपने आप को, अपने दिल को पाक और साफ़ रखा करें। यहाँ पर जो है मैंने भी कुछ चेंजिंग की है अपने लिविंग में, ताकि एक कोना जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है ताकि यहाँ पर सुकून से नमाज जो है वो टाइम से अदा कर सकूँ। और यहाँ पर असर का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर अदा कर रही हूँ असर की नमाज। असर की नमाज के बाद जो है वो इफ्तार का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। A few moments later. नमाज अदा करने के बाद जो है मैं आगे किचन में और जो चीज़ें बनाकर मैंने पूछी थी अब निकाल लेते हैं उनको, ताकि उनको फिर फ्राई किया जाए। और यहाँ पर जो है वो मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें भिगोया है, तो मलंगे को ये शरबत के लिए काम आएगा। और जब टाइम की कमी हो और आपको जल्दी चाहिए हो तो गर्म पानी में भिगोया करें, इससे आपके टाइम की बचत और जल्दी आसानी हो जाती है। यहाँ पर जो है वो पकौड़ों का मसाला मैं रेडी करूँगी, पकौड़े बनाएंगे आज। और यहाँ पर मैंने कट किया है प्याज और यहाँ पर आलू को मैंने जो है वो ऐसे बारीक बारीक लेयर्स में निकाला है। और उसके बाद जो है इनको मैं और ज़्यादा बारीक लेयर्स में काट लेती हूँ, ताकि जो है आप पकौड़े वो क्रिस्पी बने। अगर आपको पकौड़ों को क्रिस्पी बनाना हो तो आप आलू को बहुत ही ज़्यादा बारीक लेयर्स में काटा करें, ताकि आपके पकौड़े जो है वो क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो है आलू कट करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में जो है वो ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे, नमक डाला, मिर्च और यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया और धनिया पाउडर ऐड किया। और उसके बाद जो है गरम मसाला वगैरह सारे स्पाइसेस जो आप डालना चाहें वो डालें। और उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया और थोड़ा सा बेसन जो है उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। आज मैं ट्राई कर रही हूँ एक नई रेसिपी और लेट्स सी ये कैसी बनती है। ट्राई करते हैं जल्दी से। अंडे को जो है वो मैंने फेंट लिया, नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद उसको मैंने एक साइड कर दिया। यहाँ पर ली मैंने एक ब्रेड और उसके कॉर्नर्स रिमूव कर दिए। रिमूव करने का मकसद ये है कि ये थोड़े हार्ड से होते हैं और इसलिए इनका रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है हम ब्रेड को अच्छे से बेल लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बेलेंगे तो इसकी स्टफिंग जो है अंदर से वो सही रहेगी और इसको फोल्ड करने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टमाटो केचप मैंने थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद आप थोड़ी स्टफिंग जो है वो फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भर नहीं लेना, हल्का सा रखना है ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो सके। ट्राइंगल जो है वो शेप रखेंगे और उसके बाद इसको फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड की है चीज़। और चीज़ को ऐड कर लेने के बाद इसकी शेप्स, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़ के आप जो है वो बिल्कुल ऐसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसको टूथपिक से इसको ऐड कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। और ये रेडी है और इसको यहाँ पर मैंने स्टीम किया है। यहाँ पर जो है वो मैं शरबत जो है वो रेडी कर रही हूँ। गर्मी हो या सर्दी हो जो है वो रमज़ान जो है वो किसी भी दिन के बगैर नामुकम्मल होता है। और यहाँ पर जो है मैंने आइस जो है वो भी ऐड की है, सर्दी भी हो या गर्मी हो। गर्मी में तो आइस ज़रूरी होती है, सर्दी में क्यों ज़रूरी होती है? बस शरबत जो है वो ड्रिंक आइस के बगैर नामुकम्मल लगता है। यहाँ पर जो है जो डोनट मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज किए थे उनको मैंने यहाँ पर फ्राई किया है। और फ्राई कर लेने के बाद इनको हम निकाल लेंगे अलग से ट्रे में। यहाँ पर गाइस पकौड़े भी साथ साथ जो है वो रेडी हो रहे हैं और कुछ रेडी किए हैं और कुछ हो रहे हैं। जल्दी से जो है वो कंप्लीट करते हैं सब चीज़ें। इफ्तारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। ये रमज़ान मुबारक का महीना होता ही इसीलिए है कि ताकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अपनी नमाज़ों को, अपने कुरान पाक को बाकायदगी से जो है वो पढ़ा करें, इनको कोशिश किया करें, गुज़ार ना करें। सो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।